हेलो दोस्तों, मेरा नाम विकास चंद्र है और आपका बहुत स्वागत है हमारे चैनल आसान विज्ञान पर। दोस्तों, यहाँ पर हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर कर रहे हैं जिसमें कि 7.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है और हमें यहाँ पर 7.2 एक्सरसाइज करनी है जिसमें कि फोर्थ क्वेश्चन तक कंप्लीट हो चुके हैं और आज हमें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करना है। तो क्वेश्चन नंबर फाइव में हमसे कहा गया है फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए एंड बी दो पॉइंट दिए हैं इज डिवाइडेड बाय द एक्स एक्स एक्सिस। ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिविज़न। तो यहाँ पर हमें दो पॉइंट दिए हुए हैं, तो इसने बोला है दो पॉइंट है हमारे पास, एक पॉइंट ए है और दूसरा पॉइंट क्या है, बी है। ठीक है, नहीं, ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट भी दे रखे हैं और बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट भी दिए हुए हैं। ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 1-5 और बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, माइनस का 4 एंड 5। तो ये दो पॉइंट दिए और इन दोनों पॉइंट को हमने ऐसे मिला दिया। तो एक पॉइंट और है जो इस ए बी पॉइंट को ज्वाइन कर रहा है जिसको मैंने पी कह दिया, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट अभी मैं नहीं लिख रहा हूँ। तो पी पॉइंट के, ये पी पॉइंट जो है इस ए बी को क्या कर रहा है, मतलब मिला रहा है ए बी को, ठीक है ना। उसने हमसे ये बोला है जो पी पॉइंट है ना, ये पी पॉइंट एक्स एक्सिस पर है। ये पी पॉइंट किस पर है, एक्स एक्सिस पर। तो मैं आपको बता दूँ, थोड़ा सा इसमें समझा दूँ। जैसे हमारा ये यहाँ पर कार्टेशियन प्लेन है और ये एक्स एक्सिस है और ये क्या है, वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे कोई भी अगर पॉइंट होता है, सपोज करो मैं यहाँ पर एक पॉइंट ले लूँ, ठीक है ना, एक्स एक्सिस पे कोई भी अगर एक पॉइंट होता है तो उसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, वो एक्स में उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होती है। ठीक है ना, एक्स में कुछ ना कुछ उसकी वैल्यू होती है। हो सकता है ये पॉइंट यहाँ होता, यहाँ होता, कहीं पर भी होता, तो एक्स में कुछ ना कुछ वैल्यू होती है। सपोज करो अब हमें नहीं पता पर कुछ ना कुछ तो होगा, उसको मैंने एक्स कह दिया, ठीक है। अब बात करते हैं इसका वाई कोऑर्डिनेट। वाई कोऑर्डिनेट एक्स एक्स एक्सिस में फिक्स होता है, ठीक है ना। वाई कोऑर्डिनेट कब मिलेगा इसमें, अगर ऊपर जाएगा तो वाई होगा या नीचे जाएगा तो वाई होगा, पर इस लाइन पर वाई की वैल्यू कितनी होती है, जीरो, ठीक है ना। या फिर अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, कोई एक पॉइंट है इसका, अगर अपने को कोऑर्डिनेट फाइंड करना है तो एक्स में कुछ ना कुछ होगा, तो उसको मैंने एक्स कह दिया। वाई में ना तो ऊपर गया ना ये नीचे गया, तो उसको मैंने क्या बोल दिया, जीरो, ठीक है ना। इस लाइन पर वाई वाला कोऑर्डिनेट कितना होता है, जीरो। तो वो ये कह रहा है ये पी पॉइंट जो है ना, ये इस एक्स एक्सिस पर है। ये पी पॉइंट जो है वो एक्स एक्सिस पर है, और एक्स एक्सिस पर अगर पॉइंट होता है, अगर एक्सिस पर कोई पॉइंट होता है, उसके इसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, x, 0। एक्स मतलब कोई वैल्यू होगी जो कि नहीं पता, ठीक है, और वाई कितनी होती है, जीरो। तो अपने को ये जो पी पॉइंट है, मान के चलो यही पी पॉइंट है, तो इस पी पॉइंट कोऑर्डिनेट कितने हो गए, x, 0, ठीक है ना। ये तो हमने रफली डायग्राम बना दिया ना। तो हालांकि ये पॉइंट जो होगा 1-5 कहाँ पर आएगा, 1x में प्लस में, तो ये यहाँ पर 1 और -5 यहाँ नीचे यहीं पर कहीं, जैसे 1 ये है, 5 यहाँ पर, सपोज करो यहाँ पर आ रहा हूँ, ठीक है, 1-5, 1-5, सपोज करो ये 1 है, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। तो ये पॉइंट माना सपोज करो यहाँ पर आ रहा है ए पॉइंट, ठीक है, ये पे 1-1, -2, -3, -4, ठीक है, -5, इस तरह से। तो ये कितना है, -4, 5, तो 1, 2, 1, 2, 3, 4, -4 और 5 ऊपर प्लस का 5, तो मान के चलो यहाँ पर कहीं पर आया, ठीक है। तो ये बी पॉइंट ये, ठीक है। तो ये जो लाइन है इस तरह से ये ज्वाइन हो रही है, ठीक है ना, ये लाइन कुछ इस तरह से ज्वाइन हो रही थी। यहाँ पर एक पॉइंट होगा जिसको मैं पी बोल दे रहा हूँ, ठीक है ना। ये जो पॉइंट है, अब इसके कोऑर्डिनेट कितना है, x, 0। तो वो कह रहा है कि ये पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करो। भाई अपने को वाई वाला तो पता चल ही गया है, जीरो, इसको तो निकालने की जरूरत है नहीं। अब ये जो एक्स है ना, बस ये निकालना बाकी अपने को, ठीक है ना। तो एक तो उसने बोला कि ये पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट ज्ञात करो जो कि है x, 0। फिलहाल जीरो अपने को पता है, सिर्फ एक्स अपने को फाइंड करना है। तो एक तो हमें ये वैल्यू निकालनी है एक्स की, ठीक है, मतलब पी की ही निकालनी है। दूसरा वो कह रहा है जो ये पी पॉइंट है, ये जो पूरा जो लाइन है ना, इसको किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। हमने कह दिया ये m1 और ये m2, तो कहने का मतलब हो गया ये रेशियो भी अपने को निकालना पड़ेगा, यानी कि m1 रेशियो m2, ये भी फाइंड करना अपने को, ठीक है ना। तो दो चीज़ें इसने पूछी है, एक तो पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट, दूसरा
रेशियो फाइंड करना है, M1 रेशियो M2। तो निकाल लेंगे इसको आराम से। देखो तो सबसे पहले मैं P पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल लूँगा, उससे पहले जो जो दिया है वो लिख लेता हूँ। A पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने हैं? 1-5। B पॉइंट के कोऑर्डिनेट -4 और 5। तो इसको मैंने X1 कह दिया, इसे Y1, इसे X2 कह दिया, इसे Y2। और जो P पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट क्या है? P पॉइंट के कोऑर्डिनेट को मैंने X0 इसे मैंने बोल दिया XY। ठीक हो गया। तो सबसे पहले हम P पॉइंट को निकालेंगे। तो ये फॉर्मूला जो हम यहाँ पर लगाने वाले हैं, इस P पॉइंट को निकालने के लिए सेक्शन फॉर्मूला लगाने वाले हैं, ठीक है। तो सेक्शन फॉर्मूले की हेल्प से इसे करेंगे। तो करते हैं इसे। सेक्शन फॉर्मूला क्या है हमारा? XY = M1 X2 + M2 X1 / M1 + M2। उसके बाद M1 Y2 + M2 Y1 / M1 + M2। तो ये फॉर्मूला है। XY की वैल्यू कितनी है? इसकी X और इसकी 0। M1 कितना है इसमें? देखो M1 की वैल्यू पता है? M1 की वैल्यू नहीं पता है। तो करते हैं इसको ठीक। हालांकि इसको M1 रेशियो M2 को देखो, सपोज करो ये M1 है, ये M2 है। अगर मैं इसको किसी से डिवाइड कर दूँ, सपोज करो मैंने इसमें M2 से डिवाइड कर दिया, ठीक है, इसमें तो इसको भी M2 से डिवाइड कर दिया, इसे भी किससे कर दिया? M2 से डिवाइड। तो ये काट कितना हो जाएगा? 1। और इसकी वैल्यू को मैंने क्या मान दिया? K, ठीक है नहीं। मतलब ये वाला जो AP है इसको मैंने क्या कह दिया? K। और इस वाली लेंथ क्या बोल दिया? 1। तो थोड़ा सा ये ध्यान देना, मतलब यहाँ पर M1 और M2 जो है, M1 रेशियो M2 कितना हो गया? K ratio 1। तो अब M1 की जगह मैं क्या लिखने वाला हूँ? मैं K X2 कितना है? X2 है इसमें X2 - 4 प्लस M2 कितना है यहाँ पर? अब M2 देख लो हमारा क्या, 1 × X1 कितना है यहाँ पर? 1। और M1 + M2 K + 1। M1 कितना है इसमें? K। और Y2 कितना है इसमें? 5 प्लस M2 1 Y1 माइनस का 5 अपॉन में कितना है? K + 1। ठीक हो गया। हालांकि आप M1 M2 लेके चलोगे तो भी आएगा, ठीक है नहीं। अगर आप ये नहीं भी लेके चलो ना M1 M2 लेके चलोगे तब भी हो जाएगा आराम से, ठीक है। और K लेके चलिए तो हो ही जाएगा। तो अभी मैं इसके इक्वल इसे नहीं रखने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पर X की वैल्यू नहीं पता मुझे। मैं एक काम कर रहा हूँ, इस 0 के इक्वल इसको लेके चल रहा हूँ, इस 0 को इसके इक्वल लेके चल रहा हूँ, वाई वाला वाई के इक्वल। तो 0 इज इक्वल टू कितना जाएगा? ये कितना जाएगा? 5K + -5 / K + 1। अब K + 1 यहाँ जाएगा 0 के साथ मल्टीप्लाई में, तो सारा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। एक बार मैं लिख दे रहा हूँ फिर भी, K + 1 = यहाँ पे कितना आ गया? 5K - 5। अब ये तो सारा क्या हो जाएगा? 0 = 5K - 5। तो ये -5 इधर आ गया तो +5, ठीक है। और ये 5 कहाँ जाएगा? अपॉन में, तो 5/5 इधर कितना हो गया? K। यानी K = कितना आ गया? 1। K = कितना आ गया? 1। और K है क्या मान लें? K है M1 ratio M2। मतलब यहाँ से हमें M1 ratio M2 भी मालूम चल गया, ठीक है। मतलब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, M1 ratio M2 कितना आ गया भाई? 1 ratio, इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या मान लेंगे? 1। तो 1 ratio 1, ठीक है। तो ये M1 ratio M2 हमें मालूम चल गया, ठीक है। तो
तो एक आंसर हमारा आ गया M1:M2, ठीक है। तो एक आंसर आ गया, पर हमें हमसे ये भी पी पॉइंट के अकॉर्डिंग पूछ रहा है, ठीक है। तो ये एक्स निकालना बाकी है, तो ये जो के का मान जो वन आया है, के का मान जो वन आया है, मैं यहाँ पुट कर दे रहा हूँ, इसमें कहीं भी पुट करो, इसमें एक्स निकालना ना, तो इसमें पुट करना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि इस वाले को इसके इक्वल करना पड़ेगा अपने को। तो करते हैं इसे, तो x इक्वल टू क्या लिखने वाला हूँ मैं यहाँ पे, x इक्वल टू उसको भी सॉल्व कर रहा हूँ मैं एक बार, माइनस 4k+1 डिवाइड बाय k+1, ठीक है। और k इक्वल टू है कितना, 1 आया है, तो k की जगह k की जगह रखने वाला हूँ 1 रखूँगा, तो -4 × 1+1 डिवाइड बाय 1+1, तो x इक्वल टू कितना आ गया, माइनस का 4+1 डिवाइड बाई 2, तो ये आ गया x इक्वल टू -4 −3/2, ठीक है। तो ये x की वैल्यू आ गई माइनस का 3/2, तो इट मीन्स p के जो कोऑर्डिनेट है वो कितना आ गया यहाँ पर, x कितना है -3/2, और y वाला तो अपने को पहले से पता है कितना है, 0। तो ये p पॉइंट के कोऑर्डिनेट भी निकल गए। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 के बाद अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 सही, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन अगले लेक्चर में करेंगे, या फिर इसी में कर लें, इसमें 5 तो 6 वाला क्वेश्चन। चलो आप इसे नोट कर लीजिए।